ये देख सकते हैं ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है। देखिए, हाँ देखिए, ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं। गाइस देख सकते हैं अभी हमें मरीन ड्राइव पे और बीच में है और यहाँ से काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है। इधर का देखते हैं और इस साइड का भी देख सकते हैं, काफ़ी मस्त आ रहा है। गाइस और कुछ तो नहीं बट हमको पटना का एक चीज़ से प्यार हो गया, पेंटिंग से। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। यहाँ का पेंटिंग हमको काफ़ी मज़ा आ रहा है, देखने मन कर रहा है। फिलहाल गाइस हम लोग निकल चुके हैं इधर से और दिखाते हैं आपको मरीन ड्राइव का। अभी आपको दिख रहा होगा कि हम लोग दौड़ रहे हैं बिकॉज हम लोग को बस 5 मिनट मिला है यहाँ से, आधा किलोमीटर के आसपास रास्ता है पहुँचने के लिए। Run. तो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग्स। फिर से आप लोग का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी हम हैं फिलहाल गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में, और अभी हम लोग इधर से निकलने वाले हैं मरीन ड्राइव की तरफ। आप लोग को आज मरीन ड्राइव का भी सीन दिखाएंगे। रात में ही फिलहाल हम लोग निकले हैं क्योंकि रात में ही काफ़ी मस्त व्यू आता है उधर का, और गांधी मैदान को आपको दिखाते हैं, काफ़ी मस्त लग रहा है। इधर देख पा रहे ये गांधी मैदान, हमको तो काफ़ी मस्त लगा। आप लोग जरूर से बताइए कैसा लगा। और फिलहाल यहाँ पे मतलब बाहर से टेम्परेचर काफ़ी मस्त लग रहा है और आदमी ला रहा है। मेन मकसद हमारा और मेन ऑब्जेक्टिव है मेरा मरीन ड्राइव घूमने का, और मरीन ड्राइव भी आप लोग को भी दिखाएंगे मतलब कि असल में दिखने में कैसा लगता है और क्या माहौल होता है अभी के टाइम में, रात के टाइम में। वहाँ पर बहुत सारे राइडर लोग से मिलवाएंगे आप लोग को भी, और काफ़ी दोस्त लोग भी वहाँ पर हमारा वेट कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं कैसा होने वाला है हमारा आगे का ब्लॉग। तो गाइस फिलहाल हम गांधी मैदान से निकल चुके हैं, अब बढ़ रहे हैं मरीन ड्राइव की तरफ। फिलहाल थोड़ा सा आगे से लेफ्ट लेना है और उसके बाद निकलेंगे। भाई साहब गाइस की जो गाड़ी जा रही है। तो गाइस अभी हमें आयुक्त कार्यालय पटना प्रखंड में देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पे लाइटिंग गजब का लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे तिरंगा कलर अभी कर दिया गया है। और फिलहाल हम लोग मरीन ड्राइव के लिए इधर से निकलने वाले हैं, तो चलिए दिखाते हैं मरीन ड्राइव कैसा होने वाला है। फिलहाल मेरा जो फ्रेंड है वो अब आ ही रहा है, फिलहाल बोला है कि थोड़ा सा आगे आओ, उसके बाद पिकअप कर लेगा वो हमको। तो फाइनली गाइस हम एंटर कर चुके हैं मरीन ड्राइव वाले रास्ते में, और यहाँ पे जो पेंटिंग बनाया गया वो आप लोगों को दिखाते हैं, काफ़ी मस्त लग रहा है। देख पा रहे हैं काफ़ी मस्त पेंटिंग है, इस साइड भी है और सामने भी है, देख पा रहे हैं आप लोग काफ़ी मस्त पेंटिंग है। फिलहाल हम लोग निकलते हैं अब मरीन ड्राइव के लिए, बस थोड़ा सा आ गया है हमारा मरीन ड्राइव। फिलहाल गाइस अभी हम यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर रहे हैं और दिखाते हैं व्यू यहाँ का कितना मस्त है। अभी जो हमारा फ्रेंड है वो थोड़ा देर में आने वाला है, देख सकते हैं आप, काफ़ी मस्त व्यू है। अभी उस साइड हम गए नहीं, उस साइड जाने वाले, उस साइड का व्यू दिखाएंगे, पर यहाँ पर भी अच्छा काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है, देख पा रहे आप लोग। गाइस देख सकते हैं अभी हमें मरीन ड्राइव पर और बीच में है और यहाँ से काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है। इधर का दिखाते हैं और इस साइड का भी देख सकते, काफ़ी मस्त आ रहा है। काफ़ी रोड इधर से निकलते हैं, पता ही नहीं चलता कौन रोड किधर है, बट इधर का हमको काफ़ी मस्त व्यू लगा, देख पा रहे आप लोग। वाह, और इस साइड साइड में आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड दिख जाएंगे, पूरा वहाँ तक है। फिलहाल गाइस हम लोग निकल चुके हैं इधर से और दिखाते हैं आपको मरीन ड्राइव।
देखिए गाइस मटकोदी गाइस, हम आए थे यहाँ पे ब्लॉग शूट करने और ये आ गया एक ट्रैक्टर दे दिया है जो कि आगे शूट हो रहा, दिखाते हैं आप लोग को ये रहा आपको देखने को मिलेगा वीडियो में। तो फाइनली गाइस मरीन ड्राइव का थोड़ा सा एक रील का शूट था, वो आप लोग का इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा, बिहार बाद से आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा, उस पर अगर आएगा तो उस पर आएगा ये वीडियो आएगा, ये तो वही शूट था वो कर लिए हम लोग। अब इधर से मरीन ड्राइव से हम लोग निकल रहे हैं सभी लोग। तो फाइनली गाइस अब हम लोग मरीन ड्राइव से इधर से निकल रहे हैं और देख सकते हैं हेलो गाइस, इन लोगों के साथ थोड़ा सा शूट किया है, अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया इसलिए अब निकल रहे हैं इधर से पैदल ही। फिलहाल थोड़ा आगे हम लोग को पैदल जाना है, बहुत दूर है वैसे, थोड़ा आगे नहीं है, तो अभी सब लोग साथ में ही जा रहे हैं। लेकिन बोलना तो यही गाइस यहाँ पे लड़की का डिसीजन चल रहा है, घर है मतलब लोकल है, पैसा वाला है, पटना में घर बना लेना। गर्ल्स का डिसीजन चल रहा है, कहाँ के कौन गर्ल्स अच्छी है ऐसा कुछ ये लोग का चल रहा है। और अभी हम लोग फिलहाल पैदल ही चल रहे हैं, काफी आगे जाना है काफी, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है भाई साहब क्या ही गजब का लग रहा है, और हवा बहुत ही मस्त चल रहा है इस साइड का। गाइस अभी हम हैं फिलहाल मरीन ड्राइव पे, और पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे पुलिस लोग आ गए हैं यहाँ पे, गाड़ी से बहुत सारे गाड़ी इधर लगे हुए देख सकते हैं लोग, जिसका मतलब कि साइलेंसर वगैरह चेक कर रहे हैं कि हाँ मतलब ओरिजिनल है या फिर अलग से लगवाया भाई सर। और काफ़ी लेट हो गया हम लोग को इधर से निकलने में, न जाने आज रूम पे कैसे जाएंगे भाई, काफ़ी ज़्यादा इधर लेट हो गया। अभी थोड़ा देर पहले बहुत सारे पुलिस आए थे, उधर जितना ही बाइक लगा था सबका एग्जॉस्ट चेक किया गया है, और फिलहाल अभी काफ़ी 11 बजने वाला लगभग, और हम लोग इधर से भी निकल रहे हैं, और जो रूम का जो टाइमिंग था वो 10:30 का था, और अभी 11 बज रहा है, सोच रहे हैं इधर कैसे जाएंगे रूम पे। तो फिलहाल देखते हैं आए का सिचुएशन क्या बनता है, और अभी हम हैं फिलहाल मरीन ड्राइव पे, और दिखाते हैं एक मिनट, ये देख सकते हैं मरीन ड्राइव, और हम लोग अभी इधर से ही पैदल जाने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा आज थक भी गए हैं, बिकॉज़ एक बार सुबह में बस खाना खाए थे, उसके बाद बस पानी पी के अभी तक है, और खाना भी घर पे, अभी यहाँ से गांधी मैदान से जाना है बाजार समिति, बहुत ही दूर है, देखते हैं क्या होता है आगे। गाइस और कुछ तो नहीं, बट हमको पटना का एक चीज़ से प्यार हो गया, पेंटिंग से, यहाँ का पेंटिंग हमको काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने, मन कर रहा है पूरा दिन इसी को देखते रहो भाई, मतलब इतना गजब गजब बनाया हुआ लग रहा है कि भाई जैसे कैमरा से शूट करते तो हम पूरा सेम फोटो बनाया देख सकते आपको, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये पेंटिंग है, इतना गजब का पेंटिंग है भाई, क्या है यार मन को पूरा दिल गार्डन गार्डन हो गया बोलते हैं ना वही है, ऐसे काफ़ी मस्त मस्त पेंटिंग है इधर देखो दिखाते हैं आपको। गाइस देख सकते हैं ये है टर्टल का, लग रहा है कि भाई पूरा फ़ोटो खींच के एकदम पूरा चिपका दिया भाई, इतना मस्त लग रहा है वो भाई साहब, क्या ही फ़ोटो है। और इधर देख सकते हैं मछली इस साइड, और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी मस्त लग रहा है, पूरा झंडा का कलर का है, इसका लाइटिंग काफ़ी मस्त लग रहा है। तो फिलहाल गाइस अभी इधर से निकल रहे हैं, भूख तो काफ़ी ज़ोर से लगा है, पर चाय पी ली है थोड़ा सा भूख को मिटाने के लिए, और देखते हैं आगे क्या सिचुएशन होता है रूम पे जाने के बाद, बिकॉज इतना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और कल सुबह ही में हमको निकलना है, आज बस हम मरीन ड्राइव और NIT घाट के लिए ही रुक गए थे, और कल सुबह में हमको इधर से निकलना भी है। तो चलिए देखते हैं आएगा क्या होता है, यहाँ से गांधी मैदान से मुसल्लमपुर हाट का ऑटो लेना होगा, फिर वहाँ से हम लोग को और पैदल जाना होगा, तो चलिए दिखाते हैं कैसे हम लोग जाते हैं, क्या सिचुएशन बनता है। तो फाइनली गाइस हम लोग ऑटो पर से उतर गए हैं, कुछ अभी आपको दिख रहा होगा कि हम लोग डर रहे हैं, बिकॉज हम लोग को बस 5 मिनट मिला है यहाँ से, आधा किलोमीटर के आसपास रास्ता है पहुँचने के लिए, जी मैं ही जाती हूँ, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा, बस 5 मिनट का टाइम, इसीलिए हम लोग हम लोग दौड़ रहे हैं गाइस देखिए स्पीड चलो स्पीड जय श्री राम। अरे भाई साहब पैर दर्द करने लगा जी, गाइस पैर दर्द करने लगा, अब थोड़ा देर और है। गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मुसल्लमपुर से दौड़ते दौड़ते अभी आगे मेन गेट, और अभी कॉल आया था रूम मालिक का,
बस 2 मिनट का और टाइम है, देखते हैं क्या होता है, पहुंच पाते हैं कि नहीं। भाई से काफ़ी ज़्यादा थक गए गाइस, हम लोग फिर से स्टार्ट कर दिए दौड़ना, बिकॉज थोड़ा दूर और है और मालिक बार बार कॉल किए जा रहा है। ये भी दौड़ रहा है बेचारा, बिना खाए पिए हम लोग दौड़ रहे हैं। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं रूम के पास, और दिखाते हैं क्या है भाई साहब। ये रूम काफ़ी ज़्यादा 12 बजने के आसपास है, और अभी हम लोग 10:30 तक का टाइम है और 12 बजे पहुँचे। चलिए मिलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या। तो फाइनली गाइस रूम पे आ गए, आपको पसीना दिख रहा होगा, ये सब दौड़ते हुए आए इसका नतीजा है। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा ब्लॉग आप लोग ज़रूर से बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।